सो गाइस आज संडे का दिन है और हम लोग यहाँ पे ऑलमोस्ट आधा रास्ता आ चुके हैं। तो लोग बहुत गिरते हैं, अपनी खूनी फुड़ा लेते हैं और इतना बड़ा पट्टी लगवाते हैं, और वो सामने से जो आएगा वो तूफानी रास्ता है। हे गाइज व्हाट्सअप एवरीवन, दिस इज सुमित सुथा, वेलकम यू टू अनदर ब्लॉग। सो गाइज आज संडे का दिन है और संडे हमारा प्लान बना हुआ था कि हम सुबह सुबह जल्दी 6 बजे उठ के घूमने जाएंगे, बट वो हो नहीं पाया, सुबह में लेट उठा एंड अभी हम लोग आफ्टरनून में ही घूमने जाएंगे ऐसा हमने डिसाइड कर लिया है। तो अभी आफ्टरनून के एक मिनट मैं अपना फ़ोन निकाल लेता हूँ। सो अभी आफ्टरनून के बज रहे हैं 3:40 और हम लंच करके निकल चुके हैं। जब घर से निकला तो बाहर ट्रैफिक बहुत था, इसीलिए वहीं से मैंने इंट्रो शुरू नहीं किया और वहीं से वीडियो शुरू नहीं किया मैंने। अभी यहाँ पे और खाली रोड है तो यहाँ पे मैंने अभी वीडियो शुरू किया है ताकि आपको ट्रैफिक की आवाज़ एंड साइड में जो बैकग्राउंड की आवाज़ आती है वो ज़्यादा ना आए। और ऑलमोस्ट हम आधा रास्ता पहुँच चुके हैं। हम जिस जगह के लिए निकल रहे हैं उस जगह का नाम है कुंडा पोचम्मा रिजर्वर लेक, जो कि हमारे घर से टोटल 50 किलोमीटर्स के रेंज पर है। मैं आया हूँ नीलेश के साथ और नीलेश यहाँ पे गाड़ी पे बैठा है, तो अब यहाँ से हम अब कंटिन्यू करेंगे आगे का ट्रिप। तो चलो चलते हैं गाइज, अभी बस चलो चलते हैं। ऑलवेज वेयर हेलमेट, हमेशा हेलमेट पहने। आजकल लोग बहुत गिरते हैं, अपनी खूनी फुड़ा लेते हैं और इतना बड़ा पट्टी लगवाते हैं रोडों पर। हमेशा हेलमेट पहने, चलो चलते हैं। तो यहाँ पे अभी मेन रोड कनेक्ट हुआ है, अगर सिकंदराबाद से आते तो उस रास्ते से आते। हम लोग आए हैं कोमपल्ली वाले रास्ते से, इस रास्ते से आते हैं। ये थोड़ा लॉन्ग पड़ेगा, कोमपल्ली से आएगा ये रास्ता। उस तरफ दूसरा रास्ता भी कनेक्ट होता है यहाँ पे। जैसे सुमित ने बताया सिकंदराबाद से आता है, ये शॉर्ट पड़ेगा, ये है आम रास्ता। और जो अभी हम लोग जो आए हैं वो है मेंटोस रास्ता, दिमाग की बत्ती जला दे। और वो सामने से जो आएगा वो तूफानी रास्ता है। तो चलो चलते हैं, हमें यहाँ से लेफ्ट लेना है। यहाँ पे ऑलमोस्ट हम लोग अभी शामिर पेट लेक आया है, देखो यहाँ पे, क्योंकि ये भी बहुत सही जगह है घूमने के लिए वीकेंड में। अगर आप लोग कोंडा पोचम्मा जा रहे हो तो ये शामिर पेट लेक आपको ऑन द वे आएगा। शामिर पेट लेक के अंदर जाने का ये एंट्रेंस है इस तरफ। तो ये वाला जो रूट है ये आपको बंद मिलेगा, ये आई थिंक अंडर कंस्ट्रक्शन में है। सामने वाला जो रूट है ये वाला रूट लेंगे हम, यहाँ से आगे जाएंगे। ये एक्चुअली डायरेक्ट कनेक्ट होता है, देखो ये ऊपर की तरफ जाके वो रिजर्वर को कनेक्ट हो रहा है, बट क्लोज किया हुआ है, बहुत टाइम से क्लोज है, अराउंड 6 मंथ से क्लोज है। ये वाला रूट लेना है, यहाँ से कच्चा रास्ता कनेक्ट होगा, वहाँ से जाएंगे। गूगल मैप में अगर ये वाला रूट फॉलो करोगे ना कुंडा पोचम्मा का, तो वो उतना गाइड नहीं करेगा, क्योंकि पीछे जो मेन रोड था वहीं से गाइड करेगा वो, और वो अभी बंद है। तो आपको बाद में कोई टेंशन ना हो या कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैं अभी बता दे रहा हूँ। तो अभी थोड़ा आगे आते ही यहाँ पे कच्चा रास्ता दिखेगा आपको, राइट साइड में ये वाला कच्चा रास्ता आपको ले लेना है। ये आपको डायरेक्ट उधर तक लेके जाएगा, कुंडा पोचम्मा रिजर्व लेक तक। अब यहाँ से बिल्कुल सीधा रास्ता है, कोई कन्फ्यूजन नहीं। तो गाइस हम लोग अभी कोंडा पोचम्मा रिजर्वर लेक पहुंच चुके हैं फाइनली। हम लोग वहां से जैसा मैंने वीडियो में बताया था 3:40-3:50 के आसपास निकले थे। अभी देखो टाइम कितना हो रहा है, यानी अभी ऑलमोस्ट 6 बजने को आ गए और बहुत अच्छा वेदर है। अभी बीच में बारिश हुआ था इसीलिए लेट हो गया था, आप देख सकते हो रोड्स भी गीले हैं। और बीच में बारिश होने के कारण हम लोग ना बीच में रुक गए थे, रास्ते पे साइड में रुके हुए थे, इसीलिए थोड़ा भी डिले वहाँ पर भी हो गया। वहाँ पर देखो वहाँ पर थोड़ा क्राउडी है एंड रिजर्वर में बताता हूँ आपको कोंडा पोचम्मा। काफ़ी हवा आ रही है यहाँ पे, आपको सुनाई पड़ रहा होगा हवा का आवाज़। तो नीलेश कैसा लग रहा है इतना ड्राइव करके? मज़ा आ रहा है। हाँ, हवा आ रही है और वेदर भी यहाँ पे अच्छा है, धूप नहीं है। और क्या है, ये थोड़ा ऐसा हिल पे आया हुआ है ना रोड, तो यहाँ पे खड़े रह के व्यू एंजॉय करने का मज़ा भी बहुत अच्छा है। मज़ा आ रहा है। रेनी सीजन में पानी अच्छा आता है, हवा अच्छा आता है रेनी सीजन में। हाँ, अभी रेनी सीज़न ही चल रहा है ना, तो वो एक मज़ा अच्छा है यहाँ पे। और गाड़ी यहाँ साइड पे पार्क की हुई है, बस खाली सा रोड है यहाँ पे, पानी उधर है बताया जैसे मैंने अभी फुटेज में। और
पहले तो नीचे जा सकते थे, जैसे यहाँ पे नीचे स्टोन्स बने हुए हैं, यहाँ पे नीचे जाते थे लोग पहले, नीचे जाके वहाँ पे फ़ोटोज़ खिंचाते थे पानी के पास जाके। बट अभी बैरियर्स लगा लिए पुलिस वालों ने, और यहाँ पे क्या है, पहले ये दीवार भी इतनी ऊंची नहीं थी, अभी थोड़ी दीवार भी बना ली है, अभी जाना अलाउड नहीं है नीचे। यानी जो भी व्यू एंजॉय करना है यहीं पे खड़े रह के एंजॉय करना है, नीचे नहीं जाना है। नीचे जाएंगे तो फिर पुलिस वाले पीछे पीछे वो भी नीचे आ जाएंगे। हवा बहुत सही आ रही है, गाड़ियाँ आ रही है फुल फास्ट में, भगा रहे हैं लोग। चलते क्या थोड़ा सामने? हाँ सामने चलते क्या, और थोड़ा उधर उधर चले क्या, वहाँ पे व्यू भी अच्छा दिखेगा। सो गाइस, ये है कोंडा पोचम्मा का व्यू पॉइंट। अगर आप भी वीकेंड एंजॉय करना चाहते हो और लोकली हैदराबाद से ही हो तो इस जगह पे विजिट कर सकते हो। इस जगह का गूगल मैप्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो। व्यू पॉइंट बहुत अच्छा है, आपका वीकेंड एंजॉय करना चाहते हो तो बहुत सही जगह है ये। सो गाइस, अभी हम कोंडा पोचम्मा रिजर्वर लेक से निकल चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।